और यहाँ से जो गंगा जी की धारा कितनी सुंदर नजर आ रही है। वेलकम बैक गाइस, आ चुके हैं नए वीडियो के साथ और पहुंच चुके हैं हरकी पौड़ी हरिद्वार। दिन की बात करें आज 31 मई और निर्जला एकादशी का जो व्रत है, तो ऐसे में दिखाएंगे हरकी पौड़ी हरिद्वार के ताजा और दर्शन कराएंगे आपको माँ गंगा जी के। हर की पौड़ी के जो विभिन्न घाट है, सभी घाटों के आपको ताजा हाल दिखाने वाले हैं, किस तरह की वाइब्स है, कितनी संख्या में जो टूरिस्ट पहुंच रहे हैं और जो एटमॉस्फेयर किस तरह का है हर की पौड़ी पर, वो आपको आज की वीडियो में दिखाने वाले हैं और दर्शन कराने वाले हैं आपको माँ गंगा जी के। और यहाँ से जो गंगा जी की धारा कितनी सुंदर नजर आ रही है देखो। हालांकि जल का कलर जो काफ़ी चेंज हो चुका है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो यहाँ पर बारिश हो रही थी पहाड़ों पर, जिससे जो जल का कलर चेंज हो गया है। और देखो आसमान में अभी धुंध भी छाई हुई है और अभी जो मौसम है ना वो थोड़ा सा गर्म बना हुआ है। बेसिकली धूप भी है, छाया भी है, बट लेकिन गर्मी उमस टाइप की बनी हुई है, जो कि एक दो दिनों में शायद बारिश हो जाएगी। और पहाड़ों पे मैं आपको दर्शन करा देता हूँ माँ मनसा देवी के। जय माँ मनसा देवी। इस वक्त खड़े हम शिव धनुष पुल के सामने, जो पुल देख रहे हैं ना बड़ा सा, ये धनुष के स्ट्रक्चर का जो नज़र आ रहा है ना, ये है शिव धनुष पुल। उस प्रतीत को करके बनाया गया है जो रामायण में जो श्री राम जी ने धनुष उठाया था ना, क्योंकि वो काफ़ी विशाल धनुष था, काफ़ी भारी था, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इतना बड़ा जो शिव धनुष पुल ये बनाया गया है, क्योंकि काफ़ी जायंट वो धनुष था, काफ़ी हैवी था, जिसे हर कोई उठा भी नहीं पाया था। तो कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूँ। खैर अभी आप देख सकते हैं माँ गंगा जी की बहती पावन जलधारा। गंगा जी के जल का कलर जो अभी साफ नज़र आ रहा होगा, लेकिन जो अभी तक पिछले टाइम तक जो ब्लू कलर का था ना, वो चेंज हो गया। अभी देखो हम खड़े हैं सीआर टावर के पास और यहीं से होते हुए हम जाने वाले हैं आगे की ओर। इस ओर देख रहे हैं, ये है भगीरथ सेतु और इस ओर जो काफ़ी सारी धर्मशालाएँ हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल है, ऐसे में आपको यहाँ पर जगह मिल जाती है। बेसिकली होता क्या, जब टूरिस्ट सीजन होता है या फिर कोई स्नान होता है ना, उस टाइम पर क्या होता है, सभी होटल सभी धर्मशालाएँ फुल हो जाती हैं। बट ऐसे में यहाँ पर अगर आपको रूम मिल जाए, महंगा मिलता है काफ़ी, बट मिल जाए तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पर सामने की ओर गंगा जी के दर्शन आपको होते रहेंगे। स्नान करना हो चाहे यहाँ पर घूमना हो, तो उस पर्पज से काफ़ी सही रहता है। और ऐसे में जो इस ओर पास में ही है ब्रह्मकुंड, हर की पौड़ी घाट, घंटाघर घाट और सभी घाट, मुख्य घाट जो इस ओर ही हैं। तो अभी हम फिलहाल आगे की ओर चलने वाले हैं। सो गाइस फिलहाल पहुँच चुके हैं हम शिव धनुष के बिल्कुल पास। देख रहे हो कितना जायंट नज़र आ रहा, प्रॉपर धनुष की स्ट्रक्चर में बना हुआ है। और देखो आज ना थोड़ी सी हल्की सी चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, वही कल की वीडियो आप देखें ना गंगा दशहरा की, जो कि हमारे चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख लेना। कल के दिन बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था, हालांकि मैंने ट्रैफिक आपको दिखाया नहीं था। और फिलहाल हम पहुँच चुके हैं भगीरथ सेतु पर। यहाँ से जैसे गंगा जी की धारा बहुत सुंदर नज़र आती है और जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कल कल छल छल बहती माँ गंगा की धारा। यहाँ पर जो लहरें उठती है ना बहुत सुंदर लगती है। इस ओर है जो नाई घाट, ये कुटिया बनी हुई है जहाँ पर पुराने पंडे बैठते हैं, इनके पास आपके पूर्वजों के बही खाते मिल जाएंगे, दादा के, परदादा के, परदादा के भी दादा के, क्योंकि इनके पास रिकॉर्ड रहता है आपके परिवार के बारे में, पूरी डिटेल आपको बता देंगे। ऐसे में हम पहुँच चुके हैं हर की पौड़ी के मुख्य घाट पर और सामने की ओर देख सकते हैं घंटाघर घाट, प्राचीन ब्रह्मकुंड मंदिर और माँ गंगा जी की बहती पावन जलधारा। तो ऐसे में जो मौसम चेंज हो चुका है एकदम से, इस ओर देख सकते हैं बादल आ रहे हैं, धुंध आ रही और तगड़ी वाली, हो सकता है आंधी भी आ जाए अभी और बारिश होने की भी संभावना है। तो ऐसे में देख सकते हैं हर की पौड़ी के अभी देखो घाट सभी भरे हुए नज़र आ रहे हैं, हालांकि कुछ जगह खाली नज़र आ रही क्योंकि दोपहर का समय है। और दूसरा जो कल के दिन जो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जो कि गंगा दशहरा का दिन था, और आज जो निर्जला एकादशी का दिन है, ऐसे में जो इस ओर दर्शन कर सकते हैं आप अस्थि प्रवाह घाट के, और वहीं इस ओर है काफ़ी सारे मंदिर, जिसमें जो श्री गंगा मंदिर, राजा भगीरथ मंदिर और श्री संगेरी शंकराचार्य मठ, महर्षि वाल्मीकि मंदिर, सभी मंदिर इस ओर हैं। वहीं उस ओर है लक्ष्मी नारायण मंदिर और प्राचीन ब्रह्मकुंड मंदिर। आगे तरह अगर आपको जूम करके दिखाऊं, उस ओर देख सकते हैं महिला घाट, तो घाट काफ़ी भरे हुए हैं, सभी श्रद्धालु जो गंगा जी के जल में डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। सुबह धनुष पुल के साइड में, जब साइड में इस तरह के जो आपको ये पिलर नज़र आते हैं ना, आप सोचते होंगे ये पिलर्स किस तरह के, दरअसल ये पिलर्स जो होते हैं इनके ऊपर जो पुल बने हुए थे, जो कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ में जो बने थे पिलर्स, वो सारे जो अभी हट चुके हैं और जैसे ही अर्धकुंभ आएगा फिर से पिलर्स इनके ऊपर जो पुल बना दिए जाएंगे। तो ऐसे में इस ओर जो काफ़ी ओपन ओपन नज़र आता है और जो कि बहुत सुंदर लगता है, जैसे ही यहाँ पर पुल बनेंगे फिर से ये थोड़ा भरा भरा सा या फिर कहें बंद बंद सा हो जाएगा। और इस ओर देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ की 108 फीट वाली मूर्ति, और उस साइड जो ऋषिकेश के जो पहाड़ नज़र आते थे ना, आज बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि धुंध छाई हुई है और तूफान भी आने वाला है और हल्के हल्के बादल भी फिलहाल हो रहे हैं। सामने की ओर है अस्थि प्रवाह घाट और इस ओर है ब्रह्मकुंड, हर की पौड़ी घाट, लक्ष्मी नारायण मंदिर और प्राचीन ब्रह्मकुंड मंदिर। शाम के समय इस ओर जो आरती होती है, जो कि बहुत सुंदर लगती है, इस स्थान पर होती है आरती। जैसे में आरती में शामिल होने के लिए आपको 5 बजे के समथिंग इस ओर आकर बैठ जाना होगा,
जैसे ही यहाँ पर सफाई होने लगती है उससे बैठ जाएंगे, सफाई होने के जैसे बाद तो आपको आगे और स्थान मिल जाएगा और माँ गंगा जी की भव्य आरती का आप जो आनंद ले सकेंगे। कल हम पहुँच चुके हैं महिला घाट पर, इस ओर सामने को देख सकते हैं महिला घाट हर की पौड़ी, वहीं इस ओर है ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी घाट। और जैसे कि मैंने इस ओर दिखाया था आपको प्राचीन ब्रह्मकुंड मंदिर, जैसे में देख सकते हैं इस ओर काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। अभी मौसम जो काफ़ी सुहावना हो गया, ऐसे में आप यहाँ पर जब भी आएंगे आपका मन करेगा जरूर स्नान करें, गंगा जी के पावन जल में डुबकी जरूर लगाएं। जैसे में देख सकते हैं माँ गंगा जी के पावन जल में डुबकी लगाते हैं श्रद्धालु। सो गाइस फिलहाल आ चुके हैं गंगा जी की बड़ी धारा की ओर, और इस ओर का व्यू जो बहुत सुंदर नज़र आता है क्योंकि इस ओर की जो गंगा जी की धारा है बहुत ज़्यादा बड़ी है। और इस ओर नज़र आते हैं भगवान भोलेनाथ की 60 फीट वाली मूर्ति, वायवराला ब्रिज और मगरमच्छ पे सवार माँ गंगा जी। और इस ओर देखते हैं वही जो VIP घाट। आ चुके हैं संजय पुल पर, और इस पुल से जो व्यू बहुत सुंदर नजर आता है, जैसे आज हल्का पुल का बारिश वाला मौसम और धुंध भी छाई हुई है जिस वजह से काफी सुंदर नजारा इस ओर का नजर आ रहा है। और इस ओर जो गंगा जी की धारा है वो भी काफी बड़ी नजर आती है। इस ओर देख सकते हैं माँ गंगा जी जो कि मगरमच्छ पे सवार हैं, और उसी के सामने है VIP घाट जहाँ पर सभी सेलिब्रिटी वगैरह आते हैं, और वहीं इस ओर वायर वाला ब्रिज भगवान भोलेनाथ की 60 फीट वाली मूर्ति। सो गाइस ये था एक छोटा सा ब्लॉग, आज की वीडियो में हमने दर्शन कराए माँ गंगा जी के और दिखाए हर की पौड़ी हरिद्वार के ताजा हाल, किस तरह का एटमॉस्फेयर है, किस तरह की वाइब्स है। फिलहाल देखो मैं संजय पुल के ऊपर खड़ा हूँ और यहाँ से ना व्यू बहुत सुंदर नजर आता है, मेरी फेवरेट लोकेशन में से एक है। और इस ओर जो आपको नजर आते हैं पीछे माँ गंगा जी की मूर्ति जो कि मगरमच्छ पे सवार है, और भगवान भोलेनाथ की 60 फीट वाली मूर्ति। आज का जो ब्लॉग था, ये ब्लॉग था एक छोटा सा अपडेट वीडियो थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो कर दें लाइक और शेयर, और से कर दें दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब।